मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज है 19 जनवरी 2024 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि नवमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। राम भक्तों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन देश के केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। इसको लेकर सरकार ने गुरुवार को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक सरकारी कार्यालयों और स्कूल कॉलेजों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। ऐसा इसलिए ताकि लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लाइव देख सके। इसके अलावा 5 राज्यों में दिन भर अवकाश रहेगा। राजस्थान की बात करें तो देर रात सीएम भजनलाल शर्मा ने भी विधायक दल की बैठक से आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। यानी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन राजस्थान में भी आधे दिन की छुट्टी रहेगी। और स्कूल कॉलेजों की बात करें तो पूरे दिन ही छुट्टी रह सकती है, क्योंकि आधे दिन यानी कि 2:30 बजे के बाद बच्चे स्कूल जाके करेंगे ही क्या। हालांकि इसको लेकर पूरी डिटेल के साथ जल्द आदेश जारी होगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है, देर रात सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान, प्राण प्रतिष्ठा के दिन राजस्थान में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि जिन उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, वह महीने में केवल एक बार ही मिलेगा। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो आप एक डायरी से 450 रुपए में केवल एक सिलेंडर ही ले पाएंगे। उसके बाद 450 रुपए में सिलेंडर लेने के लिए अगले महीने का इंतजार करना होगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, अयोध्या में निर्मित भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर लोग दीपावली की भांति घरों और भवनों पर दीपक जलाकर रोशनी करेंगे और बाजारों में पटाखों की मांग बढ़ गई है। पटाखों की बिक्री सुरक्षित और व्यवस्थित रहे इसके लिए जिला प्रशासन ने दीपावली की भांति पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस देने के लिए आवेदन भी मांगे हैं। यह पहला मौका होगा जब प्रशासन की ओर से बिना दीपावली के किसी मौके पर पटाखा बिक्री की दुकानें लगाने की छूट देते हुए बकायदा लाइसेंस भी जारी किए जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे राजस्थान से बड़ी खबर, प्रदेश की भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में RAS मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। RAS मेंस परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाने पर हुई आम सहमति बनने के बाद अब RAS मेंस परीक्षा की नई डेट का ऐलान जल्द होगा। हालांकि कहीं न कहीं लोगों को सबसे बड़ी उम्मीद यह थी कि सरकार पहली ही कैबिनेट बैठक में पेट्रोल डीजल पर से वेट कम करके लोगों को महंगाई से राहत दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे माना जा रहा है कि फरवरी के महीने में ही पेट्रोल और डीजल के भाव कम हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, प्रदेश में अवैध खनन कर चांदी काट रहे माफियाओं में पिछले 3 दिनों से भगदड़ मची हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर शुरू किए गए अवैध खनन के खिलाफ अभियान में संयुक्त टीमों की कार्यवाही इतनी प्रभावशाली रही कि 3 दिनों में ही 500 से अधिक अवैध खनन, निर्गमन, परिवहन और स्टॉक के मामले बनाए हैं। अकेले उदयपुर और जोधपुर जोन में ही 3 दिन में 318 मामले दर्ज करने से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत जरूरी और काम की खबर, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि EPFO अब आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानेगा। EPFO ने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के वैलिड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आधार कार्ड को हटाने का फैसला यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI के आदेश के बाद लिया है। दरअसल आपको बता दूं, 22 दिसंबर 2023 को UIDAI ने निर्देश जारी कर कहा था कि आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी व्यक्ति पहचान का सत्यापन करने के लिए हो सकता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ का यह सबूत नहीं है। दरअसल UIDAI ने आधार कार्ड पर धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक नया कदम उठाया है। इस कदम के बाद आधार कार्ड पर जन्म तिथि का कोई सबूत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। दिल्ली के जोधपुर हाउस में भजनलाल शर्मा के कमरे में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने का मामला सामने आया है। यह घटना तब हुई जब कमरे में अकेले थे और हीटर चल रहा था। वैसे भजनलाल शर्मा को यह पता लग गया था कि शॉर्ट सर्किट हो गया है, ऐसे में घंटी बजाकर सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और आग पर काबू पा लिया। बड़ी घटना भी हो सकती थी। अब इस मामले की जांच भी हो रही है कि आखिरकार यह हुआ कैसे, कहीं सीएम की सुरक्षा में चूक तो नहीं हुई।
आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं से पूरे राजस्थान में एक बार फिर सर्दी अपना असर दिखाने लगी है, कोहरा छाने लगा है। तापमान में लगातार हो रही गिरावट के कारण ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पूर्वी हवाओं के प्रभाव होने से राजस्थान के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भागों में आगामी दो दिनों तक घना और अति घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान कुछ जिलों में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की जा सकती है। अगले एक दो दिन राजस्थान के कई जिलों में कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, देश में बड़ा हादसा हुआ है। गुजरात के वडोदरा में एक बड़ी दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। दरअसल हरणी तालाब में नाव पलट गई, इस पर 23 छात्र और 4 शिक्षक सवार थे, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। इसमें 12 छात्र और 2 शिक्षक शामिल है। हादसे का शिकार हुए सभी बच्चे वडोदरा के न्यू सनराइज स्कूल के हैं। वह सेल्फी लेने के लिए नाव में एक तरफ आ गए, जिसकी वजह से नाव पलट गई। पूरे देश के लिए यह एक दुखद घटना है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए नया नियम जारी किया है। इसके मुताबिक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 16 साल के कम उम्र के स्टूडेंट का एडमिशन नहीं ले सकेंगे। अगर स्टूडेंट्स बीच में ही कोर्स छोड़ता है तो 10 दिन के अंदर बची हुई फीस वापस करनी होगी। नई गाइडलाइंस 12वीं के बाद जेईई, नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कोचिंग सेंटर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।